खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां रीवा से सीधी मोहनिया पहाड़ पर टनल का निर्माण कराया गया है, जिसका लोकार्पण पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया जाना है। शासन के द्वारा लोगों को आमंत्रण भेजा गया, लेकिन रीवा नगर निगम के महापौर अजय मिश्रा का नाम नहीं लिखा गया। कांग्रेसियों ने भाजपा पर निशाना साधा और खासकर राजेंद्र शुक्ला पर निशाना साधते हुए शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह ने कहा कि राजेंद्र शुक्ला को यह बात हजम नहीं हो रही कि रीवा नगर निगम के महापौर अजय मिश्रा बाबा हैं। महापौर को ना भुलाना रीवा की जनता का अपमान है, इसलिए भाजपा के नेताओं के साथ साथ प्रशासनिक अमले को माफी मांगना चाहिए। आइए आपको सुनाते हैं शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह ने क्या कहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और रीवा के जनप्रतिनिधि, रीवा विधायक और प्रशासनिक अधिकारी ये कार्ड सब जगह पहुंचा रहे हैं। इसमें साफ साफ है सतना महापौर का नाम है और रीवा जहां पे कार्यक्रम जिस जिले में होना है उसके प्रथम नागरिक का नाम नहीं है। इससे साफ दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता दोहरी राजनीति कर रहे हैं, और उनकी दोहरी राजनीति आज की नहीं है, बड़े लंबे समय से रही। यह रीवा की जनता का और महापौर का अपमान है। यह प्रशासनिक अधिकारियों के दबाव में, नेताओं ने दबाव दिया, प्रशासनिक अधिकारियों ने यह काम किया, यह उचित नहीं है। यह स्वच्छ राजनीति को प्रेरणा नहीं देता है। स्वच्छ राजनीति यह होती है कि जनता ने जिसे चुना है उसे सर माथे में रख के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, खास तौर से राजेंद्र शुक्ला को स्वीकार करना चाहिए कि रीवा के महापौर अजय मिश्रा बाबा हैं। अब वह स्वीकार करें और इसमें गलती की माफ़ी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ही मांगनी चाहिए, और इस कार्ड के प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्टर या जो भी लोग हैं उनको सबको अजय मिश्रा बाबा से और रीवा की जनमानस से माफ़ी मांगनी चाहिए। यह रीवा की जनता का अपमान है। रीवा के महापौर की जगह न देना कितनी बड़ी चूक मानते हैं ये आप? लगातार नगर नियम के अंदर आप देखते हैं कि आए दिन सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा इधर उटपटांग हरकतें की जाती हैं, अजय मिश्रा बाबा जी को परेशान किया जाता है, नगर निगम के काम नहीं हो पा रहे हैं। इसके पीछे सिर्फ सोची समझी रणनीति के तहत अजय मिश्रा बाबा और कांग्रेस का जो ये परिवर्तन का लहर भारतीय जनता पार्टी को दिखी है, इसको दमाने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और यह जनता सब समझ रही है। ये ईडी, सीबीआई और पुलिस के दम पे राजनीति करने वाले लोगों ने इस तरह का यह दोहरा चरित्र अपना रखा है। आपके सामने है कि प्रथम नागरिक का अपमान, इससे पहले भी कांग्रेस की भी सरकारें रही हैं तो उसमें बाकायदा महापौर को आमंत्रित किया जाता था, कार्ड छपते थे, उनका नाम का उल्लेख किया जाता था। वो पहुँचे ना पहुँचे वो अलग प्रसंग है, लेकिन उनके सम्मान में कोई कमी नहीं रहती थी।